या मदरली फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे माँ काली का आउटलाइन। तो दोस्तों ड्राइंग बनाने से पहले आउटलाइन बनानी पड़ती है, तो आउटलाइन कैसे बनाते हैं, कौन सा ऐप यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पर आप सर्च करिए ड्राइंग ग्रिड, ठीक है। जैसे ही आप ड्राइंग ग्रिड सर्च करेंगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो तीसरे नंबर पर है आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए, मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो सिर्फ मुझे ओपन करना होगा, ठीक है। ये ऑप्शन ढेर सारे दिख रहे होंगे, इसमें पहले वाले पे क्लिक करेंगे, आपको सिर्फ फ़ोटो चूज़ करना जिसमें आप जहाँ रखे हैं, ठीक है। जैसे मैं ये ब्लूटूथ में रखा हूँ, ये मैंने ले लिया माँ काली का फ़ोटो, ठीक है। अब इसमें मुझे ग्रिड करना है, ग्रिडिंग कैसे करेंगे, जो लाइनअप दिख रही है चौथे नंबर पर उस पर क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पर ग्रिड नंबर लिख रहे हैं कितने ग्रिड करने हैं, जैसे मुझे इतने करने हैं, तो मैंने यहाँ पर ये कर लिया। यहाँ पे दो ऑप्शन के क्लिक कर देंगे तो आपका जो कॉलम है बराबर हो जाएगा और ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। तो ये यहाँ से आप कलर कर सकते हो, ठीक है। जो कलर जिस पे ढेर सारे बने हुए हैं, यहाँ पे आप काउंटिंग नंबर जो लिखे हैं उसको कम कर देंगे तो जिस चीज़ें आपकी है लाइनें पतली हो जाएंगी। यहाँ से आप ये करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि इस पर बहुत सारे A1, B2, C1, C2 इस तरह से ब्लॉक के नंबर लिखे होंगे, तो इससे आप कन्फ्यूजन नहीं होगी क्योंकि ड्राइंग बड़ी है, तो इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हो गया हमारा काम, इसको हम बैक करके आ गए यहाँ पे अपने फोल्डर पे, ठीक है। फोल्डर पे ये देखिए हमारी फ़ोटो जो एकदम सेफ है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा कि ग्रीडिंग जो है वो पेपर पे बनाना होगा, जिस पेपर पे बनाना है हमें ड्राइंग उस पे भी ग्रीडिंग कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने पहले से ब्लॉक बना रखे हैं, तो ये ब्लॉक थोड़े से बड़े हैं, ठीक है। इसको मैंने बनाया है 3 सेंटीमीटर का एक ब्लॉक बनाया हूँ, ठीक है। तो उसी हिसाब से पूरा नाप जोख के बनाया, तो आपको भी इसी तरह से पूरा नाप के बनाना होगा ताकि पूरे पेज में ये पूरी ड्राइंग आ जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें क्या करते हैं, सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं, एकदम मुकुट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही आपको आराम से देखना, क्योंकि बहुत टेक्निक से इसको बनानी है, क्योंकि पूरे पेज में आनी चाहिए। तो इसके लिए मुझे पूरा हर एक पार्ट को अच्छे से नापना पड़ा, ठीक है। तो आराम से बिल्कुल करेंगे, कोई हड़बड़ाएंगे नहीं, क्योंकि इस तरह की ड्राइंग जो होती है थोड़ा सा टफ होती है, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो बिल्कुल आराम से करेंगे, पहले फेस को बना लेंगे इसमें, ठीक है। एकदम आराम से, आपको कहीं हड़बड़ाना नहीं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत ड्राइंग है। तो इसको आपको ज़्यादा टाइम लगे तो ज़्यादा टाइम दीजिए, लेकिन अच्छे से बनाइए, ठीक है। देखिए पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले वहाँ कॉर्नर पर बना लिया, क्योंकि वहाँ वो सेंटर है, तो सेंटर पार्ट को अच्छे से बनाना होगा, क्योंकि सेंटर अगर आपका सही रहेगा तो उसके बाद सारी चीज़ें सही, क्योंकि जब भी आप ग्रीडिंग करें तो उसमें आप थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए कि इसे मैं सेंटर थोड़ा सा इधर है, ठीक है। तो उसको मैं सेंटर मान के अपने हिसाब से कर ले रहा हूँ, ये चीज़ आपको भी करना होगा, ठीक है। आउटलाइन बन जाने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर आपकी आउटलाइन अच्छी है तो उसका शेडिंग आप मस्त करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो काली पूजा आने वाली है, आप सब, कई लोगों ने मुझसे कहा था कि सर काली माता की ड्राइंग बना दीजिएगा, तो ड्राइंग से पहले उन्होंने बोला था कि आउटलाइन ज़रूर बनाइए ताकि हम लोग देख के अच्छे से बना सकें। जिन दोस्तों को ये फ़ोटो चाहिए होगा मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम भी मेरा इसी नाम से है जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। आप मुझे वहाँ पर सर्च करोगे तो मैं मिल जाऊँगा, आप मुझे वहाँ पर ड्राइंग अपनी सेंड भी कर सकते हो और मैं आपको फ़ोटो भी सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आराम से एकदम, मतलब ये है कि दो ब्लॉक में हमारा फेस और मुकुट बन गया है, ठीक है। तो इसी हिसाब से पूरा 3 से 4 ब्लॉक के अंदर हमारा पूरा जो ये पूरा पार्ट है हैंड उंड का सब कुछ बन जाएगा, ठीक है। आधा मिनट बन जाएगा, उसके बाद हम जो पैर वैर है उसको बना देंगे पूरा अच्छे से। तो जो टाइम आपको इसमें थोड़ा सा लग रहा है वो फेस में अभी लगेगा, लेकिन उसके बाद सारी चीज़ें बहुत सही हो जाएंगी और ये बहुत ही कूल, मतलब बहुत ही अच्छी ड्राइंग है, क्योंकि इसमें आपको बहुत टाइम देना हो सकता है, क्योंकि मुझे तो मैंने तो टेक्निक्स बनाया इसलिए मुझे बहुत कम टाइम लगा मुझे बनाने में, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दूसरे टाइप से बनाएंगे तो मुझे नहीं मालूम कितना टाइम लगेगा। और जो अच्छे लोग होंगे, जो प्रैक्टिस किए होंगे, जिनकी हैबिट, मतलब ड्राइंग जो बनाते रहते हैं, जिनका हाथ एकदम साफ है, वो अच्छे से कम टाइम में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ड्राइंग बनाने में बस आपको क्या करना है कि आप चीज़ों को अच्छे से देखें
और अच्छी फ़ोटो लें। जब भी आप ड्राइंग बनाएं तो फ़ोटो जो है वो अच्छी लें, एकदम HD क्वालिटी के लेंगे तो क्या होता है कि आपको हर एक पार्ट, हर एक चीज़ आपको अच्छे से दिखती है, ठीक है, तो बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी फ़ोटो आप बनाए एकदम HD क्वालिटी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती तो कम से कम इतनी अच्छी क्वालिटी है कि आपको चीज़ें दिखें, ठीक है। ये मैंने मुकुल बना दिया आउटलाइन, बाकी शेडिंग करूँगा तो फिर अच्छे से बनाऊँगा इसको। बाकी बहुत ही प्यारी ड्राइंग बनेगी और मज़ा आएगा आपको इसमें, बहुत कुछ समझ में आएगा कि अभी तक क्या करते थे हम लोग कि केवल फेस बनाते थे और फेस पूरे पेज में हो जाता था। तो इस बार मैंने कुछ नया ट्राई किया कि इस बार पूरा ट्राई करते हैं, पूरा जो फुल ड्राइंग है, ठीक है, उसको बनाते हैं, देखते कैसे बनता है। फुल ड्राइंग मैंने बहुत कम बनाई है, ये मेरे ख्याल से तीसरी या चौथी ड्राइंग होगी मेरी इस तरह से, तो थोड़ा सा टफ होता है लेकिन मज़ा भी बहुत होता है क्योंकि इसमें ब्लॉक जो होते हैं आपको दो गुने बनाने पड़ते हैं, कभी 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और फेस में क्या करना पड़ता है कि हमें वहाँ ब्लॉक थोड़े छोटे बनाने पड़ते हैं, ठीक है। वो अपने अपने आइडिया के ऊपर है कि आप छोटे ब्लॉक बनाएं या बड़े ब्लॉक बनाएं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि जो मोबाइल में जो फ़ोटो है उसमें ब्लॉक कितने हैं, मान लीजिए उसमें अगर हमने 8 ब्लॉक किए तो ऑलरेडी ब्लॉक बड़े ही रहेंगे, जितने ज़्यादा ब्लॉक करेंगे उतने ज़्यादा उसमें ब्लॉक छोटे होते चले जाएंगे, जितने कम करेंगे ब्लॉक उतने ही बड़े होंगे। तो आपको उसी हिसाब से पेज पे भी करना होगा, आपको सेंटीमीटर ज़्यादा बढ़ा देने होंगे। मान लीजिए आपने उसमें 10 ब्लॉक करें तो आपको यहाँ सेंटीमीटर आप 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर कर दीजिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको नाप के कर रहा होगा क्योंकि ब्लॉक कहाँ देखना, जैसे कि जो फ़ोटो है, जो फोटो के ऊपर से एकदम टॉप और आप जब जाएंगे वहाँ पे आइडिया मिल जाएगा कितने ब्लॉक की दूरी है, तो उसी हिसाब से आप अपने पेज को देखें, पेज पे कितनी दूरी है तो उसी हिसाब से आप सारे ब्लॉक काउंट करके अच्छे से बना लें। ये बहुत ही आसान है और थोड़ा सा इसमें भी दिमाग से ये करना है कि चीज़ें आपको समझनी है, ज़्यादा ब्लॉक छोटे ना हो, ज़्यादा ब्लॉक बड़े ना हो, अगर ये सब चीज़ें आप ध्यान दे लिए तो फिर आपकी ड्राइंग एकदम अच्छे से बन जाएगी, ठीक है दोस्तों। और इसमें बनाने लायक बहुत कुछ है, आपको बहुत सारे डिज़ाइन आपने खुद भी क्रिएट कर सकते हो, मैं करता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ इसमें दिख रही है जहाँ पे आप क्रिएटिविटी कर सकते हो अच्छे से, ठीक है, और मस्त ड्राइंग लग रही है। फुल ड्राइंग बनेगी तो अच्छी लगेगी क्योंकि फुल आउटलाइन जब बना दूंगा तो उसके बाद मैं ड्राइंग भी अच्छे से बनाऊंगा क्योंकि अब तो नवरात्रि स्टार्ट हो गया है और मेरा रामलीला भी स्टार्ट हो गया है, तो फिर आजकल मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है। तो ठीक है, मेरे बहुत सारे मित्र हैं मुझसे बस यही कहते हैं कि सर आप शाहरुख खान की ड्राइंग बनाइए, ऋतिक रोशन की ड्राइंग बनाइए, मैं बना तो दूँ लेकिन आप लोग क्या करते हो कि चीज़ें बना देते हो उसके बाद आप लोग सिर्फ देखते हो, उसके बाद कुछ करते नहीं, उसको शेयर भी किया करो तो शेयर करोगे तो फिर मुझे अच्छा लगेगा ना, क्योंकि उसमें 40-50 व्यू लेकर मैं क्या करूँगा यार, उस फोटो का भी आप लोग को समझते नहीं हो, इतना मेहनत करता हूँ, कम से कम एक वीडियो में पूरा दिन चला जाता है मेरा और आप लोग सिर्फ वीडियो को देखने के बाद कुछ उसका रिप्लाई कुछ रिस्पॉन्स नहीं देते हो। अगर उसको आप शेयर करो अपने दोस्तों में, सब जगह शेयर कर दोगे तो मुझे भी थोड़ा ये लगेगा कि हाँ चलो मेरी जो मेहनत थी वो सफल हुई है, और आप सीखे जो उसको मुझे प्रैक्टिस करके बता भी सकते हो ना। मैंने आपको अपना इंस्टाग्राम के पेज के बारे में बता दिया कि वहाँ पे आप मुझे सेंड कर सकते हो अच्छे से सारी चीज़ें, और अगर आप सेंड करोगे तो मैं आपको आपकी जो फ़ोटोज़ रहेंगी वो मैं अपने दूसरे वीडियो में जब भी बनाऊँगा तो वहाँ पे आपको दिखा सकूँगा कि हाँ ये मेरे फैंस लोग हैं जो बनाते हैं, ठीक है। कई लोगों ने मुझे भेजा था लेकिन मैं फिर सोचा कि बाद में करूँगा किसी में, फिर उतना याद ही नहीं आता है, ठीक है। ढेर सारे लोग रहेंगे तो मुझे याद आएगा कि हाँ ये इन लोगों ने ट्राई किया था कि हाँ बनाने की प्रैक्टिस की थी, ठीक है। तो अभी ज़्यादा टाइम मुझे मिल नहीं पाता इसलिए आप लोग जो बोलते हैं बनाने के लिए मैं बनाऊँगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। सबकी ड्राइंग बनेगी, जो भी लोग जो बोलते हैं कि सबकी अपनी पसंद रहती है, सारी ड्राइंग बनाऊंगा लेकिन थोड़ा टाइम मुझे चाहिए क्योंकि इस टाइम नवरात्र के टाइम तो मैं बहुत बिजी रहता हूँ और 8 दिन अब से 7-8 दिन मैं बिजी रहूँगा, ठीक है। लेकिन मैं टाइम निकाल के एक ड्राइंग या 2 दिन में एक ड्राइंग या 3 दिन में ड्राइंग बना के डालता रहूँगा, ठीक है। और
जब भी मैं फ्री हो जाऊंगा तो फिर मैं पर डे कंटिन्यू ड्राइंग कर दूंगा। कंटिन्यू रहती है तो फिर आपको शेडिंग और आउटलाइन सारी चीज़ें मैं आपको सेंड करता रहता हूँ, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा बिजी हूँ इसलिए जो चीज़ें भी नहीं मिल पा रही हैं उसके लिए सॉरी, और मैं ट्राई करूँगा कि 2 या 3 दिन में एक वीडियो आ जाए, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों, मतलब कि कितने ब्लॉक हैं, टोटल 8 ब्लॉक हैं शायद, ठीक है। तो 8 ब्लॉक के अंदर मैंने सारी चीज़ें, 9 ब्लॉक हैं, तो 9 ब्लॉक के अंदर पूरी फुल ड्राइंग बन गई। उसमें क्या होता था कि पहले क्या था कि उसमें मैं 14 ब्लॉक करता था, उसमें ब्लॉक में 8-9 ब्लॉक में सिर्फ फेस आता था। अब देखिए 9 ब्लॉक के अंदर पूरा फुल फोटो आ गया है। तो ये सब चीज़ें देखनी हो, क्योंकि उस समय क्या होता है कि उसमें आई ही जो बनती है वो 4-5 ब्लॉक बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि आई और पूरा फेस जो है एक ही ब्लॉक में बन गया, एक या 2 ब्लॉक में पूरा मुकुट और पूरा फेस बन गया। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी होगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपका ऑब्जर्वेशन जो होगा थोड़ा स्ट्रांग होगा, तभी आप समझोगे चीज़ों को और तभी अच्छे से बना पाओगे, ठीक है। और ये बनाना थोड़ा सा आसान भी रहता है। सोचो कि 11 मिनट हो गया, तो 11 मिनट में इतनी चीज़ें बन गई हैं। तो आई थिंक ये आपको ज़्यादा अच्छा लगा होगा, क्योंकि इतने टाइम में मैं ये पूरा बना दिया। उसमें क्या होता था कि 11 मिनट के अंदर आपको सिर्फ फेस के बाहर के पार्ट बनते थे, और इसमें पूरे पार्ट बन गए, सिर्फ हैंड को छोड़ के, हैंड में जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये सब चीज़ छोड़ के बाकी सारी चीज़ें बन गई अच्छे से। तो बन जाएंगी, ये भी नया नया एक्सपीरियंस आप भी लोग करते रहा करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, अभी ये कमर पेटी पे जो भी है इसको बना लेते हैं, ये जो कंकाल खोपड़ी, ठीक है। तो ये खोपड़ी बनाने का सबसे आसान तरीका है, ऊपर से थोड़ा सा गोला कर दो, फिर नीचे से चौकोर बना के ब्लॉक डब्बा टाइप बना दो, फिर उसके बाद हल्का हल्का एडजस्ट करके खोपड़ी जैसा आकार दे दो। बहुत ही आसान है, इसको सब बना सकते हो, ज़्यादा टाइम वाली चीज़ें नहीं है, बस इसमें आपको बस टेक्निक से सारी चीज़ें बनानी है। देखो ना, बनी तीन खोपड़ी बन गई है, 3-4 ही खोपड़ी है। तो ये सब चीज़ आपको देखना है और एकदम अच्छे से बनाना है। अब इसके बाद बनाएंगे हम हैंड, ठीक है। तो हैंड दो इधर है, 4 हैंड है, और सभी में किसी में सांप लटके हुए हैं, सब में सांप लटके हुए हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगता है, कुछ नया क्रिएटिविटी करते हैं सब लोग। जितना आप क्रिएट करोगे चीज़ें उतनी चीज़ें अच्छी लगेंगी आपके दिमाग में। अगर कुछ नई चीज़ आ रही तो आप उसको भी बना सकते हो, ठीक है। सेकंड हैंड बन जाए, उसके बाद जो है आप पहले वाले हाथ में तो आग है, ठीक है। तो आग को कैसे बनाना है आपको ये देखना है, कुछ नहीं, हाथ जैसे ये हाथ ओपन पूरा हो गया, ठीक है। बनने के बाद ऊपर से कुछ ऐसे डिजाइन से बनाऊंगा जैसे आग की लपटे होती हैं ये, ठीक है। तो ये आग की लपटे बन गई, ठीक। और उसके बाद दूसरे में क्या है, दूसरे हाथ में जो है वो तलवार है। इस आपका भी आउटलाइन ऐसे कर लीजिए आप, ठीक है। जब शेडिंग करेंगे तो फिर इसके ऊपर से जितने अंदर के पार्ट हैं इसके, ठीक है, सारे इसको डार्क करने होंगे। तो डार्क करने के लिए मुझे चारकोल की पेंसिल का यूज करना पड़ेगा। शेडिंग वाले पार्ट में आपको मैं शेडिंग की चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। तो अभी उस स्पेस को छोड़ दीजिए जो आपको शेडिंग करनी है, वो उस स्पेस को आप छोड़ दीजिए। और ये देखिए, इसमें भी सांप लटका हुआ नीचे से, तो पूरी बॉडी में मतलब ये है कि सांप, खोपड़ी, खून, तलवार, तो ये सब चीज़ें आपको इसमें दिखेंगी। क्योंकि माँ का जब ये भव्य रूप आता है, बहुत ही भयानक रूप होता है, तो फिर कोई भी सामने हो कोई नहीं बचता था। तो
शंकर भगवान फिर सामने आ जाते हैं और वो उनके चरणों के नीचे आ जाते हैं और तब जाके इनका गुस्सा जो है शांत होता है और फिर थोड़ा सा आक्रमणता थोड़ा कम होती है। ठीक है, तो माँ देवी काली का ये रूप बहुत ही भयानक लगता है और सारी चीज़ें हैं। इनका और भी रूप है, मैंने आज तक इनका जितना भी रूप देखा है उसमें माता या तो गुस्से में ही हैं या फिर बहुत ही कूल हैं। कहीं कहीं फ़ोटो में भी देखा हूँ तो फ़ोटो में तो बहुत सारे चीज़ लोग होते हैं जो फ़ोटो बनाते हैं फिर फ़ोटो को क्लिक करते हैं तो फिर वहाँ माता को या तो जब इनका वो होता है क्या नाम है काली पूजा का जब पूरा पूरा माता जब अपना रूप दिखाती हैं पूरा डांस करके तो उसमें कुछ कुछ पार्ट इतने भयानक दिखे हैं, अरे बहुत खतरनाक डांस है। ठीक है, तो देखिए हमारी जो ड्राइंग है बहुत ही प्यारी बन गई है, एक साइड की पूरी बन गई है, बस दो हैंड और हैं। ये बन जाने के बाद आपको ड्राइंग बहुत अच्छी दिखेगी दोस्तों, मैक्सिमम 4 से 5 मिनट के अंदर पूरी ड्राइंग बन जाएगी और फिर आपको मैं इसको अंदर के जितने भी पार्ट हैं सब जितने ब्लॉक हैं इसको इरेज कर दूंगा। इरेज करने के बाद फिर उसके बाद आप देखिएगा कि फ़ोटो कैसे लगती है आउटलाइन। ठीक है, तो आउटलाइन जो है यही एक तरीका है। इसके बाद दूसरा तरीका जो है वो है फ्री हैंड। ठीक है, फ्री हैंड भी आप बना सकते हो तो उसमें भी आपको आइडिया होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन आपका तगड़ा होना चाहिए कि फ़ोटो में कितनी दूरी पे होगा, वो आपको क्या बोलते हैं एक आपको थोड़ा सा नॉलेज रहेगा कि हाँ चीज़ें कैसे मुझे बनानी है, कितनी दूरी बनानी है, कितना फेस होना चाहिए, कितना गर्दन होना चाहिए, कितना पैर की साइज़ कितना होना चाहिए, हाई हैंड की साइज़ कितनी होनी, ये सब चीज़ें आपको अपने दिमाग में सोचना होगा, बनाना होगा, देखना होगा। ये जब आप थोड़ा सा पुराने हो जाएंगे प्रैक्टिस करते करते प्रैक्टिस जब करते रहेंगे तो चीज़ें आपकी एकदम सही हो जाएंगी। ठीक है, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सांप भी बहुत खतरनाक है, यहाँ पे भी एक सांप है। तो सारी चीज़ आपको छोटे छोटे ब्लॉक के अंदर ही मैनेज करने हैं क्योंकि जितने ब्लॉक में उसमें हैं उतने ही ब्लॉक में आपको इसमें बनाने हैं। ऐसा नहीं कि ये ब्लॉक मैं इसका पार्ट उसमें बना दूँ उसका पार्ट उसमें बना दूँ फिर चीज़ें आपकी जो है ना फिर नहीं बन पाएंगी। इस वाले पार्ट में दो चीज़ें हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक किसी का सर पूरा हाथ में है और त्रिशूल भी है, तो ये सब चीज़ें आपको देखना है। ठीक है, दूसरे वाले जो इसमें हाथ है वो क्या पता है आपको, जो हाथ में कटोरी जो सर का जो खून चू रहा है उस कटोरी में चू रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको देखना है। ठीक, तो ये खोपड़ी में जितने पार्ट में वहाँ बने बस आपको उसी पार्ट में बनाने हैं। मान लीजिए खोपड़ी चीज़ें अभी शेडिंग करूँगा तो उसमें चीज़ें आ जाएंगी, तो अभी मैं ऐसे ही इसका जो हेयर है इस तरह बना दे रहा हूँ, बाकी मुझे आइडिया है कि हाँ इतनी दूर में ये चीज़ें बनेंगी। ठीक है, तो आउटलाइन बहुत ही प्यारी बन रही हैं और आपको देखने में बहुत मज़ा आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, इसका अगर मुझे टाइम मिलेगा तो बहुत जल्द मैं इसको बना दूंगा, शेडिंग पार्ट बना दूंगा। अगर मुझे टाइम नहीं मिलेगा तो फिर जब भी मुझे टाइम मिलेगा तब बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन बनाऊंगा ज़रूर, हो सकता है इसको मैं कलर भी बनाऊँ, जैसा भी दिखूँगा जैसा उस समय टाइम रहेगा मेरे पास, क्योंकि आजकल तो कम से कम 10 दिन तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा। उसके पहले मेरा घर बन रहा था वहाँ पे, थोड़ा दूर है मेरे घर से तो वहाँ बन रहा था तो मुझे उसमें भी टाइम नहीं मिल पाया था। तो आप देखे ही होगी मुझे लगभग 1-1.5 महीना मुझे बहुत मतलब वीडियो में डाल ही नहीं पाता था कि जब भी टाइम मिले मुझे तब बनाता था, तो बहुत नुकसान हुआ उस टाइम। ठीक है, मैं आप लोग को वीडियो नहीं दे पाया बहुत सारे, फिर भी मैं आपको महीने में 1-2 वीडियो दिया क्योंकि उसी टाइम मुझे टाइम ही मिलता था जब मैं घर आता था तो फिर बनाता था। लेकिन बीच में फिर कंटिन्यू हुआ था, अभी कंटिन्यू होने के बाद फिर उसके बाद फिर कंटिन्यू हो जाऊंगा। ठीक है, इस मंथ के मतलब कि 15-16-20 के बाद से मैं कंटिन्यू रहूँगा। ठीक है, या 15-16 तक तो कंटिन्यू नहीं रह पाऊँगा, लेकिन हाँ हफ्ते में 3-4 वीडियो आ जाया करेंगे 2-1 दिन के बाद। ठीक है, ये त्रिशूल बन जाने के बाद ड्राइंग पूरी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो सारे पार्ट बहुत अच्छे से बन गए हैं दोस्तों। ठीक है, और
इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो अंदर के पार्ट है उसको अच्छे से इरेज कर लेंगे। त्रिशूल आपको देखना है, ठीक है। अगर आपने काउंट किया होगा सारी चीज़ें तो आपकी चीज़ें अच्छी बन जाएंगी, अगर आपने काउंट नहीं किया होगा तो चीज़ें आपके फिर ऐसे ही कोई छोटी कोई बड़ी। अब ध्यान से देखिए जो चीज़ें छोटी हैं उसको बना लेते, एक बार ध्यान से देख लेते हैं। आउटलाइन बनाने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं छूट जाती हैं, छूट इसलिए आती है कि आप सोचते हैं कि ये पार्ट हम बाद में बना लेंगे, इसके बाद ये बनाते हैं तो उसी में चीज़ें छूट जाती हैं, ठीक है। तो हर एक पार्ट अच्छे से बना है, ठीक है, और देख लेते एक बार क्या कुछ छूटा तो नहीं है, ठीक है। ये सब शेडिंग के पार्ट है, इसको शेडिंग कर लूँगा और सारी चीज़ें लगभग बन गई हैं। आई होप कि आपको ये ड्राइंग अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। तो इसको हम अंदर के पार्ट जो है ब्लॉक्स उसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।